हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रामगढ़ टैंक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक नहीं, दो नहीं, पूरे 9 तरह की बहाली का अपडेट निकाला गया, उसी का अपडेट देने वाले। जी हाँ, यहाँ पर अपडेट जो निकल कर रहा है झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी के तरफ से भर्ती का अपडेट निकल कर आया है, जिसमें आज के वीडियो में आपको हम यही अपडेट देंगे। इसमें बताया गया है कि बहुत सारा पद पर बहाली का अपडेट निकाला गया है, तो अगर आप फॉर्म को भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा अपडेट यहाँ पर मिलने वाला है। तो चलिए, कैसे फॉर्म को भरना है पूरा डिटेल में जान लेते हैं, तो बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन पर क्लिक करें और बेल का आइकन ऑन करें, ताकि जो भी वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब देखिए, आपके सामने इसका एडवर्टाइजमेंट खुल चुका है। जी हाँ, देखिए आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ नजर आ रहा है झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी। जी हाँ, रांची की तरफ से, नामकुम रांची की तरफ से भर्ती का अपडेट निकाला गया, जिसमें रिक्वायरमेंट नोटिस फॉर टेक्निकल स्टाफ के पद पर भर्ती का अपडेट यहाँ पर निकल कर आता है। जी हाँ, अब देखिए यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में बोला जा रहा है झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर झारखंड इनवाइटेड अप्लीकेशन फॉर सुटेबल कैंडिडेट फॉलोइंग टीचिंग पोस्टिंग ऑफ स्टेट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पारसपानी गोड्डा झारखंड। डिटेल ऑफ वैकेंट पोजिशन रिकमेंडेशन नंबर ऑफ पोस्ट डिसरेबल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आर मैंशन हेयर बिलो। तो यहाँ पर देखिए फाइनल अपडेट बताया जा रहा है कि यहाँ पर भर्ती का अपडेट जो है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर की तरफ से निकाला गया है, जिसमें आप देख सकते हैं अनेकों तरह का यहाँ पर भर्ती का अपडेट निकाला गया। तो चलिए आपको वन बाय वन बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्रोफेशनल के पद पर यहाँ पर भर्ती का अपडेट निकाला गया, जिसमें जनरल को 7 दिया गया। जी हाँ, जनरल को इसलिए दिया गया ताकि सभी कैटेगरी के लोग यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हैं, ऑल इंडिया के लोग भी यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जनरल में। इसमें देखिए क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो यहाँ पर देखिए BHMS, DHMS एंड MD होम्यो विथ 3 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस एंड रीडर फ्रॉम रिकॉग्नाइज होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया। इसमें प्रति महीना 33,000 रुपया आपको मिलने वाला है। जी हाँ, 33,000 रुपये प्रति महीना आपको मिलने वाला है। और आपका जो एज होगा, देखिए यहाँ पर आपको बोल रहा है एज जो आपका होगा 60 साल तक के लोग यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं, और इसका जो एज का कैलकुलेशन किया जाएगा 1 अगस्त 2018 के अनुसार यहां पर किया जाएगा। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर में रीडर। जी हां, रीडर के पद पर यहां पर भर्ती का अपडेट निकाल गया, जनरल को 8 मिला है। इसमें भी देखिए सेम क्वालिफिकेशन बोला गया है BHMS, DHMS, MD होम्यो 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस एट लेक्चरर फ्रॉम रिकॉग्नाइज होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग। तो ये सब अगर आपका क्वालिफिकेशन होगा तो भर सकते हैं, 31,000 रुपये प्रति महीना आपको मिलेगा। इसमें भी आपको 60 साल तक के लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद देखिए लेक्चरर के पद पर निकाला गया है, 12 सीटों पर भर्ती का अपडेट निकाला गया। इसमें देखिए BHMS, DHMS विथ MD होम्यो रिकॉग्नाइज होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग, तो इस पद पर यहाँ पर भर्ती का अपडेट निकाला गया। उसके अलावा लेक्चरर प्रिफ्रेंस अगर आपका होगा सब्जेक्ट, या फिर हाउस फिजिशियन का अगर सर्टिफिकेट होगा तो फॉर्म को भर सकेंगे, 28,000 रुपये प्रति महीना मिलेगा और 60 साल तक के लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद देखिए 4 नंबर में रेसिडेंस मेडिकल ऑफिसर के पद पर भर्ती का अपडेट निकाला गया, जनरल को 1, ST को 1, टोटल 2 बनाया गया है। इसमें भी देखिए BHMS, DHMS अप टू 1983 और इक्विलेशन रिकॉग्नाइजेशन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल क्वालिफिकेशन यहां पर मांगा गया, तभी फॉर्म को भर सकते हैं, 25,000 रुपये प्रति महीना मिलेगा, 60 साल तक के लोग फॉर्म को भर सकते हैं। 5 नंबर में होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर जनरल में 2, ST में 1, OBC में 1, टोटल 4 बनाया गया। BHMS, DHMS अप टू 1983 और इक्विलेशन रिकॉग्नाइजेशन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन होगा तो फॉर्म को भरेंगे, 25,000 रुपये प्रति महीना, 60 साल तक के लोग फॉर्म को भर सकते हैं। 6 नंबर मेडिकल ऑफिसर रेडियोलॉजी, 1 सीट बनाया गया। इसमें MBBS डिग्री मांगा गया MCI में, तभी आप यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हैं, 25,000 रुपये प्रति महीना, 60 साल तक के लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे। 7 नंबर की बात कर ले तो मेडिकल ऑफिसर बायोकेमिस्ट्री के लिए यहाँ पर भर्ती का अपडेट निकाला गया, 1 सीट यहाँ पर बनाया गया, MBBS डिग्री मांगा गया,
25,000 रुपये प्रति महीना और 60 साल तक के लोग फॉर्म को भरेंगे। उसके बाद देखिए 8 नंबर में मेडिकल ऑफिसर पैथोलॉजी एक सीट बनाएगी, MBBS यहाँ पर आपका डिग्री होना चाहिए, 25,000 रुपये प्रति महीना होना चाहिए, 60 साल तक के लोग फॉर्म को भर सकेंगे। 9 नंबर मेडिकल ऑफिसर डेंटिस्ट का यहाँ पर भर्ती का अपडेट निकाला गया, एक सीट है जिसमें आपको BDS डिग्री मांगा गया DCI से, तभी आप फॉर्म को भर सकेंगे, 25,000 रुपये प्रति महीना मिलेगा और 60 साल तक के लोग यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नीचे में आप यहाँ पर आएंगे तो बहुत सारा यहाँ पर आपको इसका नियम वगैरह मिल जाता है, आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, आपको यहाँ पर पूरा डिटेल मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप इसके वेबसाइट www.spc.co.in में जाकर पूरा डिटेल में आप देख सकते हैं। उसके बाद चलिए आपको हम बता देते हैं क्वालिफिकेशन की, इसमें क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है, फॉर्म को कैसे भरना है। अब देखिए फॉर्म को भरने की बात कर ले तो आपको करना क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपको 3 नंबर में लिखा हुआ, ऑल द इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैविंग द डिसेबल एलिजिबल मे बी अप्लाई द पोस्ट ऑनलाइन एट spc.co.in। जी हाँ, अब आपको यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरना है। जी हाँ, ऑनलाइन फॉर्म भर देना है, spc.co.in में जाकर आप इसका फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो आखिरी डेट बताया गया है फॉर्म भरने का 13 फरवरी 2019 रात 12 बजे तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। इसमें फीस वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा, निःशुल्क है, सभी लोग यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं, जिनके पास ये डिग्री होगा वो लोग यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं। तो आशा करता हूं वीडियो में सारा कुछ समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई करने का जरूर कोशिश करूंगा। तो चलिए आज के लिए इजाज़त चाहूंगा, अगर आप ऐसी रोजाना अपडेट पाना चाहते तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो आज के लिए इजाज़त चाहूंगा, कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना, नमस्कार।